हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल है सबका? तो स्वागत है थारा मेरे एक नए वीडियो में। और आज मौसम हो गया था शाम के टाइम में थोड़ा सा गड़बड़, मतलब कि बारिश आ गई थी और इतनी ज़्यादा भी ना, तेज नहीं, पर बढ़िया करके चली गई ठंडक। तो देख ली पी मौसम ही सा है, छायाए है। और एक तरफ तो इशारा कि शायद आ सकता बारिश। मेरा तो काम था, उसकी मैंने तैयारी कर ली है। कबाड़ा करा जाएगा गाड़ी काट के लाई। तो ये मैंने लहसुन किस बात पर छोले हैं वो बता दूँ, जो कि सामने मेरी सब्जी वगैरह की जो वीडियो देखी होंगी उनमें देखा होगा कि चटनी देखती दिखाती रहूँ मैं, जो कि पत्थर पर बाटी जावा है। पर या पत्थर पर कदे कदे बाट पाऊँ, क्योंकि फिलहाल माँ सुबह शाम जा ही रहा है, उनका तो टाइम ना लगता उनने पीसण का, और इसमें बहुत देर लग जाए। तो मैं मिक्सी में पीसा करूँ, और आज वो तरीका दिखाऊँगी हमने। अगर हम पत्थर पर ना बाट सकते तो मिक्सी में कर सको हो तो ट्राई तो करके जरूर देखियो। तो एंड तक देखियो वीडियो ना, किस तरह बनेगी और कितनी टेस्टी हो है। आप डेली लहसुन छोलने की जरूरत ना पड़े इसके बाद में, और आप यह ऐड कर सको उसमें मिर्च डालने की जरूरत ना, थोड़ा सा नमक डाल लियो क्योंकि मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो इसमें डलेगा नमक, लहसुन और मिर्च और पानी, वो अपने हिसाब से देख लियो। मिर्च होंगी उनके अकॉर्डिंग आप पानी डालोगा। तो मैं दिखा दूँ, पहले मैं मिक्सी उठा लूँ। पहले मैं मिक्सी में डाल दूँ लहसुन, उसके बाद ये डाल दूँ पानी। कमी या ज़्यादा कुछ रहेगा, अगर ये कम रहेगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो मैं मिर्च ज़्यादा डाल दूँगी। या देखो दुपट्टा खिज्जा मैडम, ओ मैडम दुपट्टा उड़ के स्कूटी पे बैठ के खिज्जा है, खिज्जा है तू। ओहो ओहो, गोली लिया है, ठीक है तो ले आ जा, टोफी ना गोली कहें उरे। तो ही मैं जाके मिर्च और कर लूँ इसके अंदर ऐड। तो ये वाली मिर्च हुए हैं सूखी मिर्च बोल रहे हैं इन्हें, ये मिर्च लेकर अब, और इनका यो डंठल बोल रहे हैं जिसने यो तोड़ दियो, उसके बाद इसने थोड़ा सा यूं यूं करके और झड़का दोगे तो इसके बीज निकल जाओगे। न्यू झड़का दें तो पूरे ना निकलेंगे, तो बीज से दो टुकड़े करके उसके बाद झड़का के और इसमें डालते जाइयो इसके अंदर। तो मैं प्रोसीजर शुरू कर लूँ मेरा। यो जो लास्ट का पोर्शन है जेड़ा डंठल हो उसी समय से ज्यादा बीज मिलने। तो इसमें मैंने पानी, लहसुन और ये मिर्च सूखी तोड़ के इनके बीज झाड़ दिए हैं, मतलब ये झड़का झड़का के निकाल दिए, कुछ तो रह जावा सारे तो उतने ना। तो मैं कर लिया इसने बंद, देख ली हूँ कम ज्यादा होगा जो भी बेरा बढ़ जाएगा बाद में पीसने के बाद। तो मैं भूल गई थी नमक डालना, ये शुरू में डलता पर कोई दिक्कत नहीं, वह भी ज्यादा बारीक पीसीना आया और इसमें पानी की और जरूरत है। तो मैं पानी ले आई और इसमें और पानी डाल दी, क्योंकि ये सूखी सूखी ज्यादा ही होगी कुछ। तो फिर तो चला दूं मशीन में। तो ये की बार पूरी पीस के तैयार होगी बिल्कुल, निकाल दूंगी मैं बस जल्दी से, फिर दिखाऊंगा। देख लो शकल देख कर मेरा पड़ जाएगा, टेस्ट का तो तुमने बाकी टेस्ट करा भी मेरा पड़ जाएगा, मेरे घर ना आके करना पड़ेगा टेस्ट। तो बहुत मस्त बनी है, बिल्कुल बारीक बनी है। कोई बाई चांस कोई बीज जिस तरह रह रहा छोटा, कोई कोई बीज रह गया, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि इसमें चिपक जा है सारा। तो मैं निकाल ली, इसमें तो निकालना सब तो बड़ा मुश्किल काम होता, हम परेशान हो जाओगे, पर जिसने खानी है टेस्ट चाहिए वो ज़रूर इतनी मेहनत कर लेगा। तो देख लो, ट्राई ज़रूर करिए, तो ट्राई करके ज़रूर देखियो और बताइयो खा के, कमेंट जरूर करियो किसी लग गई वीडियो। और जब भी कभी बनाओ तो यह भी बताइयो कि किसी बनी थी, और सब्जी में यूज़ करके देखियो, बहुत टेस्टी सब्जी बन जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलियो। तो जब तक खातर बाय, टेक केयर, मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तो देखते रहो, बाय बाय।